Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Jai Ho Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
निरीक्षण समन्ता
कान लाग जुदि मात प्रमेयम् त्वमाखरम् वारमं त्वमस्य विश्वस्य वरम् निवारणम् त्वमव्ययः शाश्वतगर्भलोकाः सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् हर्षामि त्वां दीप्त उत शव त्वं स्वगे स्वविदम् अलङ्कम् द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिकोष्ठलाभि रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवीत्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता नितिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य वरं विधानम् भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूप वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य सुसहस्रते क्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथप्रेष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदये।
गीता जी का पाठ तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवान् भावयतानेन देवी वा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् विभो देवा दास्यन्ति योग्यभाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो हुते स्थेनैव स योग्यश्रेष्ठाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकेल्विषये भुञ्जते ते त्वं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवान्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितः एवं प्रवर्तितं चक्रौ नानुवर्तयति हयः अभायुरेन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्त मानव आत्मन्येव स सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नात्युते नेह कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यवाशय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम 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 राम, 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 राम।
ब्रह्मांड है यशस्वान। भगवान के शरीर में कहते रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड। इन सब का मूल एक परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए उसका नाम है। कलयुग में भगवान ने अपने आप को इतना सुगम बताया है कि भगवान के नाम लेने से काम हो जाए। करो तब धरि कीर्तना, करो केशव कीर्तना, कलयुग केवल नाम आ जा रहा, सुगमता कर दी भगवान ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है एतादृशी तव कृपा ऐश्वर्या, नामना मकार बहुधा निज सरस्वति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवान वेदम दुर्दैव मीर्षि जनिनानुराग। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने कलयुग के आने पर अपनी सब शक्ति नाम में रख दी, भगवान नाम में। क्यों कलयुग जो अल्पायुष होंगे, अल्प शक्ति वाले, अल्प बुद्धि वाले, तो वे क्या करेंगे? तो उनके लिए सुगम बताया नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, नाम में अर्पण कर दी शक्ति। और नियमित स्मरण ही निकाल, स्मरण के लिए काल नहीं बांधा गया, सुबह शाम दिन में रात में सब समय में, ऐसी भगवान ने कृपा की है। तो भगवान नाम में सच्चे हृदय से लगना चाहिए। एक भगवान के आश्रय, एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातुदास। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। भगवान को अपना मान करके उसका नाम ले, ये दो बात बताई। तीसरी बात कुसंग का त्याग कर दे, इसे वृद्ध संघ है वो कुसंग है। होए राम को नाम जपो तुलसी तजी को समाज। अनेक जमना की पीढ़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी आज अभी 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 भगवान का होकर मेरे तो केंद्र पास दूसरों कोई, एक भगवान का आश्रय ले लिया जाए और उस नाम का जप है। सज्जनों बहुत असहारा लिया, कभी धन का लिया, पुत्र का लिया, मित्रों का लिया, कुटुंब का लिया, बल का लिया, विद्या का, अपने त्याग वैराग्य का, अपने साधन का भी ये बल लेना है ना, ये मांगिए बल भगवान की कृपा का, केवल कृपा का आश्रय लेकर। ब्रह्मा जी ने तब तेरुकम आप कृपा भी तभी देखता रहे, तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर भगवान में लग जाए। तत्परता से बहुत समय चला गया और चला जा रहा है, अरे पता नहीं अगारी कितना है। जितना चला गया तो उसको पता है भी इतने वर्ष आ गए, उतने तो कम हो गए, उतने तो मौत हो ही गई, अब बाकी कितना है पता नहीं। अभी से भगवान में लग जाए, लोक और परलोक सब सुलझ जाएंगे, सब तरह की चिंता बढ़ जाएगी, किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। भागवत में आया है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई भी कामना नहीं हो, कोई चाहे किस भी क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहते तो भगवान का भजन करो। दूसरे बोले तुम क्या, हम तो सब चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, पुत्र भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, भलाई भी चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं,
बहुत सब 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 से आते हैं। तो भाई सब कामना तो भगवान पूरी कर सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। कुछ नहीं चाहे तो भजन करो, सब चाहिए तो। तीसरे तुम क्या चाहते हो कि मोक्ष काम, हम तो कल्याण चाहते हैं और कुछ नहीं, तो विराम ना बस। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न जेत गुरु, भगवान का भक्ति योग से भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, सब काम हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो बाकी रह जाए, पूर्णता हो जाएगी। तो ये कली विशेष है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आनो पाऊ, कली में नाम की महिमा विशेष है। तो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा, होए राम को नाम जपो। संसार का होकर के नाम जपता है तो लाभ होता है, लाभ की तो यहाँ तक है भाव कुभाव अनख आदर्श हो, भाव से कुभाव से अनख से आदर्श से किसी से लिया जाए तो नाम जप मंगल इस दशो हुए एकदम। पर होए राम को नाम जपो, भगवान का होगा भगवान के नाम का जप है तो बहुत जल्दी फायदा होता है। होए राम को नाम जपो तुलसी तज कुसुमार, आज 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 लग जाओ, अभी लग जाओ, ऐसी सोम बात है। एक आश्रय भगवान का ही, जिसमें तुझा अभिमान ना हो, तुझा कोई सहारा नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। भगवान को वो प्यारा लगता है जो शिवाय भगवान के और किसी का आश्रय नहीं, अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय नहीं तो वहां ये जना परिवर्ती अनन्य चेता सरता हूँ जो मांग सर, मैं ये मन आदर्श मत चेता मत प्राणा मत चेता सत्यम मत चेता सर्व भगवान मत तसा धरी से श्री भगवान या भगवान एक आश हो एक वाला एक आश विश्वास। बहुतों का आश्रय लिया, बहुत वर्ष चले गए, अब एक बात है भगवान का आश्रय ले, भगवान के नाम में लग जाए। सज्जनों सुगम उपाय है, बढ़िया उपाय है, अभी इसी मौसम का है, कलयुग की मौसम है ना, कलयुग के समय विशेष नाम की महिमा है, क्यों भगवान ने नाम में सब महिमा रख दी। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, भगवान से मांगे तो एक ही बात, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने में आई है। यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, याद मात्र करने से कल्याण हो जाए। तो भगवान से ही मांगे हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। नाम जब किए जाए मन से ही कहा जाए, नाम जब राम 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 राम, जो नाम आपको पहले लगे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, और मन ही मन से कहता हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ये मांगने की बात है, भूलू नहीं नाथ, सब काम हो जाएगा आप साफ सत्य सत्य। एक ही बात का ख्याल रख रहा है, नाम के ऊपर लग जाएगा, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, पुकारे भगवान को। संतों ने कहा हरिया बंदी वान जो करिए कुकु, जैसे कोई कैद में डाल दे, परवश कर ले पकड़ ले और छोड़ नहीं सकता, तो वो पुकार करता है जोर से कि भे छुड़ाओ अरे छुड़ाओ, ऐसे जोर से पुकारी हे राम हे राम 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 राम, निहाल जाएगा। तो भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है, पर भगवान का होकर पुकारे, किसी तरह से नाम लेने से लाभ है इसमें संदेह नहीं, परंतु प्रेम से लिया जाए, अर्थ भाव से लिया जाए, पुकार कर जोर से कहा जाए तो उसका बहुत विशेष असर पड़ता है। भाव साथ में लग गए, नाम तो है ही, साथ में भाव लग गया, भाव में अर्थ भाव लग गया,
दीन भाव हो गया, हे नाथ मेरा कोई नहीं है, आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसे अनन्य भाव हो तो बहुत जल्दी काम होता है। सज्जनों समय जा रहा है तेजी से, मौत आ रही है, मरने का दिन नजदीक आ रहा है, प्रत्येक क्षण नजदीक आ रहा है। दूसरा कोई ठहरता है, ये उम्र ठहरती नहीं है, शरीर ठहरता नहीं है, हर समय क्षीण होता है, मौत बड़ी तेजी से नजदीक आ रही है। एक एक श्वास जाता है ये भगवान मौत और हमारे बीच में है, वो खत्म हो, एक श्वास गया खत्म, दूसरा श्वास दिया गया, प्रत्येक श्वास आयु खत्म हो रही है, मौत नजदीक आ रही है। दूसरा काम तो भाई दूसरा आदमी कर लेगा, ये काम तो खुद को करना पड़ेगा। जैसे बीमार हो तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, बड़े बड़े सेठ नौकर रख देते, साहू जी पूजा भी नौकर दो, पाठ में भी नौकर रख दो उसमें, परंतु भूख लगती जो भोजन करते हैं, ऐसे रोग और दवाई खुद लेनी पड़ती है, ऐसे जो खुद लेना पड़ेगा, खुद लग जाए भगवान में, हे मेरे नाथ। दूसरे काम दूसरे कर देंगे, कितने ही काम है तो दूसरों करा दो भला दो, नहीं तो मर जाओ तो राज संभाल लेगा, पर भगवान का भजन नहीं करेगा। बहुत बड़ा कारोबार है और काम करने वाले पीछे नहीं है तो राज संभाल लेगा, दुनिया संभाल लेगी, पर ये काम कोई दूसरा संभालेगा नहीं, ना बेटा है ना पोता है, कोई है नहीं। तो ये खास अपने खुद करने का है, सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों। बड़ा सुंदर मौका है, कलयुग का समय है, वृद्ध भूमि है, वृंदावन खास है, सामग्री सब मिली हुई है, अब निमित्त मात्र भव शब्द शासन। जैसे भगवान ने अर्जुन कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मैं हताश तुम जाइए, मेरे मारे हुए तुम मार दो, ऐसे सब कुछ भगवान ने किया हुआ काम है, निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान की कृपा से है ये देश सहायक है, वृद्ध देश भगवान की भक्ति में बहुत ही सहायता करता है, गंगा जमुना आदि के तीर्थ है भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, संत महात्मा है भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, ऐसे गीता रामायण भागवत अपेक्षा उपनिषद आदि ग्रंथ है, ये भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, धर्म का अनुष्ठान भक्ति में सहायता करते हैं। दूसरे साधारण आदमी ही करते हैं, दुष्ट भी पापी भी भगवान की भक्ति में सहायता करते हैं, दुख देकर भी सहायता करते हैं, सुख देकर भी सहायता करते हैं, दुख देकर पापों का नाश कर करते हैं, सुख देकर आराम से करते हैं, तो भगवान में लग जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान का आश्रय लेके भगवान के नाम में लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। कलि संत उपनिषद में आया है, नारद जी महाराज कलयुग में आने पर ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मानंद जगाम, पूछा महाराज कलयुग को कैसे पार करें, ये तो करे दोष नहीं दिए आदमी हस्ती ये को मान को दोषों का खजाना है, पाप अन्याय अत्याचार खास कलयुग का काम है, अधर्म मित्र कलिना अधर्म मित्र, अधर्म का मित्र है पापों का, कैसे तरे, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नाम से। तो भगवान नाम कौन सा है महाराज, सब हुआ सब प्रजापति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम है, ये कलशचंद्र उपनिषद का है, इस नाम को 3.5 करोड़ जब बेड़ा पार हो जाए, भाव तो बहुत जल्दी काम हो जाए, रात दिन लग जाए इसके पीछे, बेटा पार हो जाए, सालों सालों शास्त्री जो चाहे वो मुक्ति मिल जाती है, जो चाहे सो सब मिल जाए भगवान नाम से, हरि नाम भजन सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है स्वरूप, परमार्थ स्वार्थ सब सच है, देते लग जाओ सज्जनों भगवान का नाम, सुलभम भगवान नाम, और वागस्ती वश वर्तिनी,
भगवान का नाम मिल गया जीव अपने मुख में है तो भी नर्क समझ लोग नर्कों में जाते हैं। आश्चर्य की बात है, बड़ी सीधी सादी बात है। नाम जपते जाओ, चलते फिरते उठते सोते जागते बैठते हरदम भगवान का नाम। अपना क्या दुनिया का कल्याण होता है, दूसरे देखे तो उनका कल्याण होगा, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, भाषण करने से। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनते राम बोला दे राम बोले, उनके द्वारा कितना लाभ हो रहा है, रामायण के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। भगवान में लग गए तो आप भी ऐसा लग जाओ तो आपको भी पद मिल जाए। नहीं तो गोस्वामी महाराज की वाणी पढ़ो, राम 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 करो, बहुत बढ़िया बात लगी। विनय पत्रिका तो हद ही कर दी है, साधु कैसा ही क्यों हो विनय पत्र का पद मिल जाएगा। ऐसा मालूम होता है मेरी बात कह रहे हैं, गोस्वामी मारी बात कह रहे हैं, ऐसे सुंदर पद है और लग जाओ देरी में तूर्ण यथेत नृत्य जाओ। भागवत मंगा जल्दी करो, पता नहीं शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है, कौन शरीर कब चला जाएगा, अवस्थाओं का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, और कई बातों का रोगों का निरोग का कुछ पता नहीं। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी को मेरा देरी, सब समय त्यार त्यार है। कालो दंड श्राद्ध, ये काल है ना समय, इसका नाम जमराज है। कालो दंड श्राद्ध देवो वैवस्वतो अंत का, इसको अंत कहते। निर्धन आयु खेत ये चिड़िया चुग रही, निर्धन आयु खेत, जो जो श्वास जाता है त्यों त्यों जीना खर्च हो रहा है, मौत नजीक आ रही है, जीना बंद हो रहा है, मौत नजीक आ रही है। इस वास्ते तो बड़ी सावधानी से दूसरा करता है नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो अपन बुहार। दूसरे करते है नहीं करते ख्याल मत करो, अपने भजन भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। जिस भाई के जो समझ आ जा कि ये इष्ट है, ये हमारा है, ये मंत्र है, उसी में लग जाओ। वास्तव में छोटा बड़ा नहीं है, भगवान के सब नाम बड़े हैं, किसी में लग जाओ, एक ही नजदा होगा। संप्रदाय के अनुसार अलग अलग नाम है, वो बड़ा अच्छा है, पर भगवान नाम है वो तो सबके लिए सुलभ। सो मेरे तो सुलभ सुख दे सब का, सुमेर तो सुलभ सुख दे सब का, सबके लिए सुख दे वाला। लोक लाभ पर लोग निभाओ, लोक पर लोग दोनों को सिद्ध करने वाला, ऐसे भगवान के भजन में लग जाओ भाई। सच्चे हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं मन से जग, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु का ना प्रभु नहीं, मेरे प्रभु। सुनते माँ मेरी माँ, ऐसे मेरे प्रभु, मेरे मेरापन का असर पड़ता है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलो नहीं, कृपा करो नाथ, भूलो नहीं, तो नाम जप सब काम होगा ठीक भगवान की कृपा से। कृपा के सामने कोई ऐसा दुर्लभ नहीं है जो दम बन सके। इस बात से हृदय से उसमें लग जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का नाम लो। भगवान का होकर मैं भगवान का हूँ, अपने आप को भगवान की सुहृद कर दे, अपने आप को शर्मा में दे दे, रह दे भगवान के शरणों का चिंतन करके नाम जप कर रहे। सुमता से सुबह तो सुर पर सुख सब का हो, सुमन में सुंदर सब लोग सुने सुबह। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नारायण 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 नारायण, उठते बैठ के ते जागते के सोए, हरिहरजन घट राम जी कबू को प्रकट हो, सोता बैठता उठता खाता पीता काम करता हुआ नाम न मच्छो, एक नाम सीधी है ये। गोस्वामी जी दे धावन निमे लेवा नेत्र नस करे न पते दिया, भगवान को याद रखने वाला किस तरह रहे, वो दौड़ता हुआ आखड़ता नहीं पड़ता नहीं, पड़ जाते भगवान के नाम है
उद्धार करेगा। एक कहानी आती है ऐसी, पश्च भाग में कह गई। एक था आदमी जो बहुत हत्या करने वाला, तो उसे मेरा कल्याण कैसे हो, बड़ी चिंता लगी। कोई बात सुन ली, चिंता लगी तो किसी एक पंडित के पास गए और कहा कि महाराज मैं बहुत अत्यारा हूं, एक कम स्वाद नन्नानवे स्वाद मारी मैंने मन भाव मारा है और जान दो प्यार हमारा है, मेरा उद्धार कैसे है वो। तो पंडित आगे राम 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 राम, भाई आज कैसे आदमी का मुख देखा, सौ आदमी की हत्या कर नन्नानवे, उसे आईडीश उसको मार दिया। फिर विचार किया, अरे मैं तो पूछता जाता तो हूँ कि मेरा कल्याण कैसे हो, कृत्य ये करता है, आदत थी मारने। तो एक संत मिले आ गए, क्योंकि महाराज बताओ क्या चाहते हो, भगवान कैसे मिले, मैं बहुत पापी हूँ महाराज, बात सुनाई अपनी, ऐसे ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो मैंने उसको मार दिया। तो संत ने कहा तुम जाओ, उसकी बात बताती, ये पीलीभीत शहर है, उस तरफ का पीलीभीत के पास एक संत रहते हैं, वहां तुम जाओ। तो वहां उनको भेजा, तो दो बात, एक तो वहां पहुंचा, एक ऐसी बात आती है, उसने कहा कि देखो सौ हत्या होगी तुम्हारी पूरी, अब तुम जल्दी करो, उम्र तुम्हारी बहुत थोड़ी रह गई है, जल्दी पहुंचो। कोई संत वहां पीली बात रहते हैं, वहां पहुंचो जल्दी, उन्हें कृपा से हुआ कल्याण। तो साधु देगा मैं भी घृणा करूं तो मेरे को मार देगा, तो उसको भेज दिया वहां। तो जाते 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 वो गांव की सीमा आई और पड़ा और वहीं मर गया। तो जमराज के दूत आए लेने के लिए, कल जैसे सुना है ना अजामिल का, इस तरह से भगवान के दूत भी आ गए। कहते ये पापी जगत के पापी नहीं रहा है, इसके अंत में निश्चय क्या कह रहा, सम्यक व्यवस्थितो ईशा अपिचेत सुदुराचारो वो भी साधु हो जाता है, पापी से पापी दुराचारी दुराशी निर्णय कर लेता है मेरे को भजन करना है, इस निश्चय मात्र से शुद्ध हो जाता है। और ये तो संतों की तरफ जा रहा है, इसकी वृत्ति तो संत में लगी हुई है, मेरा कल्याण हो जाए ये लगन ऐसी गई, ये नरक नहीं जा सकता। तो उद्देश्य बना लिया एक कर्म, तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाशी तब है। इस वास्ते भगवान की तरफ अपना उद्देश्य बना लो, हमारे जीने का फल यही है और कोई जीने का फल नहीं है, भगवान में लग जाओ, आप साफ उद्धार होगा, भगवान कृपा करेंगे, उद्धार तो कृपा से ही होता है। वास्तव में अपने किए हुए कर्मों के पूरे भोग करके नष्ट कर दे ये संभव नहीं है, भगवान की कृपा आप में हो जाए, भगवान के चरणों की शरण हो जाए, तो उसी कृपा से, कृपा के सामने कोई पाप कितना ही हो, जैसे कोई कहे कि एक पाप भर रही है दीना दी कितनी चाहिए, शराब दूसरा एक कहे शेर भर हो कहते मन भर हो तो अगर सौ मन हो जाए एक देश अलग सब तुम, ये माप तोल नहीं होता कि रूई कितनी है तो आग कितनी चाहिए, आग वो स्वयं आग है, रूई खुद भी आग बन जाएगी, आग ही आग उठा देगी, आग ही आग रूई जली हुई रूई को जाएगी, वो रूई दूर जाएगी सब खत्म हो जाएगी। इस तरह से भगवान के चरणों में हो जाए नाम ले तो उसके लगती आग तो आग बुझती नहीं, फिर बस सत्सैन लगा रहे हरिशैन लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो, भगवान में लगे रहो, नाम जप करते रहो, नारायण 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 नारायण, ये बात बढ़िया है भाई, राम जी नारायण की जय हो, राम जी नारायण नारायण।